स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों अगर आपने एक पर्सनल लोन लिया है और उसके ऊपर होम लोन लेना चाहते हैं तो क्या यह पॉसिबल है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपने एक पर्सनल लोन लिया है तो उसके ऊपर होम लोन कैसे ले सकते हैं, क्या पर्सनल लोन लेने के बाद होम लोन अच्छा खासा आपको मिल जाता है, उसके क्या इंटरेस्ट रेट होते हैं, उसको आप कितने साल के लिए कितने टेन्योर के में मिलता है और उसका ईएमआई आपको किस तरह से चुकता करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पर्सनल लोन और होम लोन क्या एक साथ दोनों लोन हम ले सकते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे स्क्रीन पे हम आ गए हैं होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे होम लोन के रिलेटेड आपकी कितना लोन मिल सकता है, आपकी ईएमआई कितनी आती है, सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये दोस्तों एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं यहाँ पर और एक सेक्शन आता है जो है अदर ईएमआई। तो दोस्तों अगर आप होम लेने लोन के साथ साथ कोई और लोन लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं जैसे कि पर्सनल लोन। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक पर्सनल लोन लिया है तो उसी के साथ साथ आराम से आप एक होम लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ से अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों पहले आपकी सैलरी हम लेते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 45,000 है, आप अपनी सैलरी जितना भी है यहाँ पर आप डाल देंगे दोस्तों। तो अगर आप 45,000 सैलरी मिलता है आपको 30 साल के लिए लोन लेते हैं तो दोस्तों उस हिसाब से 8% या फिर होम लोन का एवरेज जो होता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट वो लगभग 9% का होता है, तो हम यहाँ के 9% डाल देते हैं। तो 45,000 अगर आपकी सैलरी है 30 साल के लिए आप लोन लेते हैं तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाता है दोस्तों 25,16,708। ये आपका लोन अमाउंट आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको ईएमआई हर महीने देना होगा दोस्तों 20,250 रुपये के आसपास। अब मान लीजिए आपने आपकी सैलरी 45,000 है, आपने कुछ एक पर्सनल लोन लिया है जिसकी ईएमआई आती है 5,000-6,000, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं 5,000 डाल देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए आप एक पर्सनल लोन लिया है जिसकी ईएमआई आप 5,000 रुपये भरते हैं, तो देखिए अब आपका कंडीशन क्या होगा, आपकी सैलरी है 45,000, 30 साल के लिए लोन ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और आपकी अभी करंटली ईएमआई आप 5,000 रुपये दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो लोन सैंक्शन मिलेगा होगा दोस्तों वो 19 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा और जिसकी ईएमआई आएगी 15,250 रुपये। अब दोस्तों अगर आप इस टेन्योर को थोड़ा घटा देते हैं, मान लीजिए इसको 25 साल कर देते हैं, तो उस केस में आपको मिल जाएगा दोस्तों 18,17,000 के आसपास और अगर आप इसको 20 साल के लिए कर देते हैं दोस्तों तो उस हिसाब से आपको 17 लाख का लोन मिल जाएगा। यह है दोस्तों कि अभी आपका दोस्तों जो भी कंडीशन है कि आपकी सैलरी अगर मान लीजिए यहाँ पे 75,000 होता है तो उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 75,000 पे आपकी जो दोस्तों लोन आएगी, हम यहाँ पे 75,000 पुट कर देते हैं एक बार में दोस्तों 75,000 सैलरी में आपकी अगर ईएमआई मान लीजिए प्रेजेंट ईएमआई 10,000 या फिर 15,000 कट रहा है 10,000, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा दोस्तों 30 लाख का लोन। तो दोस्तों ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि आप होम लोन और पर्सनल लोन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ले सकते हैं या फिर अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो उसके ऊपर भी होम लोन ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।